हाय, दिस इज रुचिशा, वेलकम टू द किचन निंजा। आज की जो डिश है वो है मटर पनीर। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। मटर पनीर बनाने के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो है मटर, पनीर, टमाटो प्यूरी, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, ग्रीन चिलीज, गरम मसाला, जीरा, कसूरी मेथी, फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, काजू, वाइट तिल, सिंग, सॉल्ट एंड ऑयल। सबसे पहले हम ये तीनों चीज़ को गर्म पानी में 15 मिनट तक रख देंगे, काजू, सिंग और वाइट तिल। अब इसकी हम एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। फाइन पेस्ट रेडी है, अब हम सब्जी बनाएंगे। एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 ग्रीन चिलीज ली थी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जो काजू और सिंग की पेस्ट बनाई थी अब वो ऐड करेंगे। टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। अच्छे से इसे 5 मिनट तक कुक होने देंगे। वन टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, वन टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/3 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1/2 ग्लास जितना पानी ऐड करेंगे। हाफ स्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। मटर ऐड करेंगे। सॉल्ट एज पर योर टेस्ट ऐड करेंगे। अब पनीर के क्यूब्स ऐड करेंगे। और इसे 10 से 12 मिनट तक ढककर पकने देंगे। हाफ स्पून गरम मसाला, हाफ स्पून कसूरी मेथी, 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी मटर पनीर की सब्जी भी रेडी है। अब हम इस पे कोरिएंडर लीव्स गार्निश करेंगे। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी थिक चाहिए तो इसे आप और 10 मिनट तक ढककर बॉईल होने दे सकते हैं। कोरिएंडर लीव्स से थोड़ा गार्निश करेंगे। आप इसे गर्मा गर्म रोटी, पराठा, कुलचा, नान किसी के भी साथ खा सकते हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।